अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नकी अली खान। आज का प्रोग्राम नाजरीन बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान और वर्ल्ड की रिनाउंड एंड वन एंड दी ओनली लेजेंडरी आर्टिस्ट लता मंगेशकर साहिबा को ट्रिब्यूट है। और लता जी के बारे में हमेशा से प्रोग्राम होते रहेंगे, होते हैं, होते रहे हैं, और मैं समझता हूँ ऐसे आर्टिस्ट के लिए जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि लता जी जैसी आवाज़ सदियों में पैदा होती है। लता जी सितंबर 28, 1929 को पैदा हुई इंदौर सिटी में, और उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर, जो बहुत ही अच्छे क्लासिकल गायक थे, उनकी सरपरस्ती उन्हें हासिल रही। और लता जी ने अपनी क्लासिकल म्यूज़िक जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है बचपन में, वो अपने वालिद दीनानाथ मंगेशकर से हासिल की। और अनफॉर्चुनेटली उनके फादर का जो था वो इंतकाल हो गया जब वो छोटी ही थी, और उन पे काफ़ी जिम्मेदारी आन पड़ी, क्योंकि लता जी के जो हैं वो बहन भाई माशाल्लाह ज़रा बिग फैमिली थे वो, और उनमें उनकी बहन थी जिनमें मीना, आशा, उषा और एक उनके भाई थे रिद्धनाथ मंगेशकर, और सारे बहन भाइयों की जिम्मेदारी उन पे आन पड़ी, लिहाजा उनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी म्यूज़िक में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने इनिशियल ट्रेनिंग अपनी जो है वो अपने वालिद दीनानाथ मंगेशकर से हासिल की क्लासिकल म्यूज़िक की। उसके बाद भिंडी बाज़ार के इमानत अली ख़ान थे, उनसे उन्होंने सीखा, और अमान अली ख़ान, उनसे भी उन्होंने क्लासिकल की तालीम ली। इसके बाद उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर उस्ताद बड़े गुलाम अली ख़ान साहब के शागिर्द थे तुलसीदास, उनसे भी गंडा बन शागिर्दी जो थी इख्तियार की, और उनसे भी गाना सीखा। यूँ तो हम म्यूज़िक पे और लता जी के बारे में हर बंदा ही कहता भी है, उनके गाने भी गाता है, लेकिन आज देखने की बात यह है कि लता जी अच्छी आवाज़ होने के साथ साथ कैसे इतनी बड़ी आर्टिस्ट हुई, क्योंकि अच्छी आवाज़ खुदा ताला की देन है। और जिस तरह के एक बच्चा अपने घर में पैदा हो जाता है और वो मादरी जुबान बोल तो लेता है लेकिन लिख पढ़ नहीं सकता, क्योंकि जब तक उसको उसके कायदे कवानीन ना बताए जाए, इसी तरह अच्छी आवाज़ भी अल्लाह ताला की देन है, लेकिन उसको ऐसा अच्छा बनाने के लिए और उसको परफॉर्मेंस के लिए बनाया जाता है आवाज़ को, और उसके लिए असातिज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो लता जी ने अपने वालिद से सीखा, फिर इमानत खान साहब से, अमान अली खान साहब से, फिर हमारे ग्रैंडफादर के जो शागिर्द थे तुलसीदास, उनसे भी सीखा, और फिर जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हमारे बॉलीवुड में भी और हमारे लॉलीवुड में म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी, वो लोग आगे से फिर जब गाने गवाते रहे, वो बहुत सारे असलूब मौसीकी के बताते हैं और बताते रहते हैं और बताते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये काम जो है, और ये फ़कत म्यूज़िक जो काम है ये आता ही सीना बसीना सीखने से, पर्सन टू पर्सन। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी मर्ज़ी एडवांस हो जाए, वो आपकी आवाज़ को खूबसूरत कर सकते हैं, लेकिन आपको राग इस तरह नहीं सिखा सकते जैसे कि पर्सन टू पर्सन लोग सीखते हैं और सीखते आए हैं, जो कि हमारी बरेसगीर पाक व हिंद की ट्रेडिशन है कि ये उस्ताद के पास बैठ के सीखने का काम है, जो कि आज बहुत कम हो गया है। अनफॉर्चुनेटली आज की जो जनरेशन है वो गा बजा तो रहे लेकिन उन्होंने कई अच्छे उस्तादों से सीखा नहीं। तो आर्टिस्ट बनने के लिए तीन चीज़ें तो खासकर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो अच्छी आवाज़, खुदा की मेहरबानी, अच्छा उस्ताद और अच्छा रियाज। तो ये मैं समझता हूँ सारी ही चीज़ें अल्लाह ताला ने लता मंगेशकर को इनायत की थी, उन पे बहुत करम था कि उनको अच्छे उस्ताद भी मिले, उनका अच्छा रियाज भी हुआ और उनको तालीम भी बहुत अच्छी हुई, तो वो लता मंगेशकर बन गई। और लता मंगेशकर जी के गाने में क्या था कि बहुत क्लैरिटी से वो गाती थी, खूबसूरत उनका आवाज़ था, और सुर बहुत खूबसूरती से देखती थी, लगाव बहुत अच्छे थे, फिल्मी गाना हो चाहे कोई, उन्होंने गज़ल कम गाई है, गज़ल गाई, और हर तरह का जो फिल्मी म्यूज़िक गाया उन्होंने
वो बहुत लाजवाब गाया कि एक्सप्रेशन इतना अच्छा देना, लय में बहुत अच्छा गाना और सुर को बहुत अच्छे से देखना और जज्बात का इजहार जो है वो अल्फाज के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से किया। और मेरे ग्रैंडफादर खासकर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब कहते थे कि क्लासिकल म्यूज़िक कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि ये एक वाहिद क्लासिक म्यूज़िक है जो कभी पुराना नहीं होता। उसकी मिसाल मसलन के अगर आज भी हम रागदारी संगीत देखें, राग एमन गाएं, मालकौस गाएं, रागेश्वरी भाग्यश्री गाएं, तो जब भी हम गाएंगे वो आज का ही हमें लगेगा। ये नहीं हमें लगेगा कि जी ये 90s 20s का है या 40s या 30s का है या 80s 90s का है। लेकिन हमारे जो गाने हम जो पीछे सुनते हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में या पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो आज भी हमें नए लगते हैं, इसलिए कि वो उनको रागों को खूबसूरती से उनमें बरता गया है। और ये लता मंगेशकर जी के हवाले से जो बात हम कर रहे हैं कि उनका गाने गाए आज भी बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उन्होंने रागों को बहुत खूबसूरती से बरता फिल्मी अंदाज में, लाइट म्यूजिक में, जो कि अपनी मिसाल आप है। तो हमारे आज के प्रोग्राम में ट्रिब्यूट हमारे आर्टिस्ट पाकिस्तान के जो हैं, खासकर उन्होंने अपने जज्बात का इजहार लता जी के लिए किया है, तो हम सबसे पहले सुनते हैं, देखिए, फरजाना जमान जो हमारी लेजेंडरी गजल क्वीन फरीदा खानम साहिबा की बेटी हैं, वो क्या कहते हैं लता जी के लिए, सुनिए। मैं फरजाना जमान हूँ, फरीदा खानम साहिबा की बेटी। मुझे लता मंगेशकर जी के इस दुनिया से जाने का बहुत दिली रंज है, बहुत अफसोस है। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ और बचपन से लेकर अब तक उनकी आवाज से एक गहरा रिश्ता कायम हो गया था। मेरी उनसे पहली मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई। वो उनका लास्ट कॉन्सर्ट था और कॉन्सर्ट देखते हुए मैं ये ख्वाहिश अपने आप से कर रही थी और अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि काश कि मेरी मुलाकात इस महान हस्ती से हो जाए। लेकिन ये मैं ख्वाहिश उनसे मिले बगैर दिल में लेकर घर वापस आ गई। दूसरे दिन उनसे मुलाकात हो गई, अल्लाह ताला ने मुझे उनसे मिलवा दिया और वो मेरे सामने खड़ी थी अपनी फैमिली के साथ और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और मैं फूले नहीं समा रही थी। इतनी महान हस्ती मेरे सामने खड़ी थी। उनसे बातें हुई और इतना उनको प्यारा, मैंने उनकी शख्सियत को पाया, इतनी प्यारी शख्सियत, सो हम्बल, सो पोलाइट, सो काइंड, सो जेंटल। और ऐसे लग रहा था कि उनसे ये पहली मुलाकात नहीं, बहुत मुलाकातें हो चुकी हैं। उन्होंने इतना मुझे महसूस ये करवाया कि मैं आसानी महसूस करूं उनसे मिलने में, और मुझे ऐसा ही लगा, मैं बहुत, उन्होंने मुझे रिलैक्स किया बिकॉज आई वॉज ओवरवेल्ड। और फिर मुझे, मैंने अपने आप को संभाला और मैं बिल्कुल उनसे उनसे घुल मिलकर बातें करने लगी। वही मुलाकात एक यादगार मुलाकात बन गई, वो हमेशा मुझे याद रहेगी। लता जी अमर हो गई हैं, उनका फन हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा और उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। वो हमेशा से थी, वो है और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। जी, ये थी फरजाना जमान, जो बहुत अच्छा, क्योंकि म्यूज़िक को समझती हैं, फरीदा खानम साहिबा की बेटी हैं तो होना भी चाहिए। तो हमारे खासकर इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम क्योंकि अपनी ऑडियंस को, हमारी आज की जो जनरेशन है, प्रेजेंट और अपकमिंग जनरेशन, उनको इस
आर्ट एंड कल्चर इस खूबसूरत फन से उनको हम लोग मुतारिफ कराएं और उनको बताएं कि हमारे जो लेजेंडरी आर्टिस्ट हो गुजरे हैं जिनका बहुत म्यूज़िक इंडस्ट्री में म्यूज़िक में नाम हुआ है, तो वो कैसे हुआ और वो कैसे इस मंजिल अपने बड़े मुकाम पर पहुंचे। रियाजत बहुत ज़रूरी है और रियाज भी वो जो कि सही से हो, गलत रियाज ना हो, सही रियाज हो और उस्ताद के सामने बैठ के सीखा जाए, उस्ताद से पर्सन टू पर्सन सीखा जाए, तो आपका नाम अच्छा होता है और फ़न भी ये तभी सीखा जा सकता है और तभी आता है। हमारे एक और पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, मैडम नूर जहाँ जी की गन्ना बन शागिर्द हैं, उन्होंने कुछ लता जी के लिए कहा है, सुनिए तरन्नम नाज क्या कहती हैं लता जी को। अस्सलाम वालेकुम, मैं तरन्नम नाज आपके खिदमत में हाजिर हूँ और आज जो मुझे कहना है आप लोगों से वो मेरी इतनी हैसियत तो नहीं कि इतनी बड़ी गुलकारा के बारे में कुछ कह सकूं, मैं तो उनके सामने बिल्कुल छोटी फनकारा हूँ, लेकिन उनका नाम लिए बगैर रह भी नहीं सकती जिनका नाम है लता मंगेशकर। वो अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, म्यूज़िक इंडस्ट्री का नुकसान हुआ, बल्कि मैं कहूँ कि सुर का नुकसान हुआ है। इसी तरह मेरी उस्ताद जी मलका तरन्नम नूर जहाँ जी, मैं उनके गन्ना बंद शागिर्द हूँ जैसा कि आप जानते हैं, तो उनके बारे में भी यही कहूँगी कि मलका तरन्नम नूर जहाँ और लता मंगेशकर इनका कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में, ना इन जैसा कोई गा सकता है ना गाएगा और ना कोई है, पूरी दुनिया इनको जानती है, पूरी दुनिया में इनके सुर बिखरे हुए हैं मलका तरन्नम नूर जहाँ जी के और लता मंगेशकर के। मेरे ख्याल से दोनों मुल्कों को अपनी अपनी जगह पे बहुत नुकसान हुआ है इन दोनों फनकाराओं के जाने से, इनका कोई खला पूरा नहीं कर सकता, इन जैसा कोई गा नहीं सकता, इन जैसा कोई हो नहीं सकता। क्या कहूँ इनके बारे में, मुझे बहुत दुख होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दोनों गुलूकार आए जो लेजेंड हैं अपने अपने मकाम पे, अपनी अपनी जगह पे, वो दोनों खास बड़े गुलाम अली खां की बाकायदा तौर पे गंडा बंद शागिर्द हैं और ये एजाज़ सिर्फ और सिर्फ इन दोनों गुलूकाराओं को मिला है, जो कि बहुत बड़ा एजाज़ है। खास बड़े गुलाम अली खां को दुनिया जानती है, उन जैसा वो इस दौर के तानसेन थे। तो अब क्योंकि खास गुलाम अली खां, बड़े गुलाम अली खां भी नहीं रहे इस दुनिया में और मलका तरन्नम नूर जहाँ जी भी इस दुनिया में नहीं, लता मंगेशकर भी इस दुनिया में नहीं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मलका तरन्नम नूर जहाँ को करवट करवट जन्नत नसीब करे और खास बड़े गुलाम अली खां को करवट करवट जन्नत नसीब करे। और लता जी जो इस दुनिया से चलेंगे, मैं तो ये कहूँगी अपने मज़हब के लिहाज से कि अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे और अपनी रहमत में जगह दे उनको, बल्कि वो दोनों फनकारें जो थी, मैं तो ये कहूँगी कि वो अल्लाह ताला के मंजूर नज़र थी, अल्लाह ताला उनको बहुत पसंद करता था, उनकी आवाज़ें बहुत पसंद थी, क्योंकि सुर अल्लाह को बहुत पसंद है। जैसा कि जनाब हज़रत बिलाल ने अज़ान दी तो उनकी आवाज़ बहुत मीठी और अच्छी थी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब तक अज़ान बिलाल हज़रत बिलाल नहीं देंगे दिन नहीं निकलेगा। इसी तरह इन दो गुलकारों पे भी अल्लाह ताला की ख़ास रहमत थी। आपने देखा तरन्नम नाज साहिबा ने लता जी के लिए बहुत प्यार भरे जज्बात का इजहार किया। लता जी का गाना मुझे याद है, जो उनका गाना था आएगा आने वाला, बहुत खूबसूरत उन्होंने गाया। इसके अलावा उनके कई हज़ारों गीत हैं, यू नेम इट, जिसको भी हम सुने वो अपनी मिसाल आप हैं। और मुझे उनका एक गाना बेहद पसंद है, वो है कि दो नैनों में आंसू भरे, दो नैनों में आंसू भरे, निंदिया कैसे समाए,
नींद यादों नैनों में आंसू भरे निंदिया कैसे समाए, निंदिया ओ झूठे तेरे वादों पे बरस बिताए, जिंदगी तो कठी है रात कट जाए, कैसे नैनों में निंदिया समाए, दो नैनों में आंसू भरे निंदिया कैसे समाए, निंदिया। ये गाना बहुत खूबसूरत, इसमें राग का इस्तेमाल बहुत खूबसूरत, हर उनके गाने में राग को बहुत खूबसूरती से म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने नुमाया किया है, और उनकी आवाज़ तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसी आवाज़ तो वाकई सदियों में पैदा होती है। अब देखिए जी, हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट सजाद अली लता जी के लिए क्या कहते हैं, सुनिए। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बाग वफा में। किसी शख्सियत का हमारे दरमियान होना ना होना एक अलग बात है, क्योंकि हमेशा तो कोई भी नहीं रहता। लेकिन असल में बड़ा नुकसान ये है कि कोई फनकार या तो नया काम करना बंद कर दे या उसके काम को भुला दिया जाए। मैं ये तो नहीं कहता कि लता जी जैसी फनकारा सदियों में ना आई थी ना आएगी, क्योंकि माजी में कैसे कैसे लोग आके चले गए हमें कुछ नहीं पता। वो कहते हैं ना कि खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई, और ना ही मैं फ्यूचर के टैलेंट के बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अपने तजिये के मुताबिक एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि बरसग़ीर की मौसीकी पे लता जी की गायकी का जो रंग चढ़ा है उसे उतरने में शायद अभी सदियाँ लगेंगी। अगर गायकी में अल्फाज और सुर का इम्तिजाज सीखना हो तो लता जी के गानों से सीखा जा सकता है। और आखिर में मैं उन तमाम फिल्म मेकर्स, रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और शायरों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने दिल से लता जी के लिए काम किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह हमारे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के सब आर्टिस्ट लता जी को कितना प्यार करते हैं और उनकी गायकी को कितना पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये सबसे बड़ा एक मैं समझता हूँ एजाज भी है हर उस फनकार के लिए, और ख़ासकर लता जी के लिए या जितने हमारे फनकार हुए हैं, कि आवाम का प्यार उनके लिए ख़त्म नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा आर्टिस्ट के लिए इनाम ये है कि उनके फ़न को सराहा जाए, उनके फ़न से प्यार किया जाए और उनको दाद दी जाए, खुल के दिल से दाद दी जाए। ये भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है, और हम लोगों को ख़ासकर या जितने हमारे म्यूज़िक लवर्स हैं या जितने ट्रू लवर्स हैं, ये दिल में बात ज़रूर रखनी चाहिए कि आर्टिस्ट को दिल से दाद दी जाए, उनके फ़न को सराहा जाए, क्योंकि आर्टिस्ट लोग वैसे ही बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो वो कहते हैं ना कि चिराग जलते हैं अक्सर चिराग की लौ से, नज़र नज़र से मिलाओ कि रोशनी कम है। मतलब ये कि आप प्यार देंगे प्यार लेंगे, ज़िंदगी इसी तरह चलती है। नाज़रीन, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वी विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. Or visit www.gaskhantravels.com. Stop looking for jobs here and there. Get to the right place at the right time and get on job today with Star Force Inc.
urgent staff needed for general labor, bakery mixer, shippers, receivers, forklift operators, machine operators, and many more. Star Force Inc. Call now 416-742-5511. Star Force Inc. वेलकम बैक नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह आर्टिस्ट परवान चढ़ते हैं। लता जी के शुरुआत के जब दिन थे तो हमारी पाकिस्तान की मेलोडी क्वीन मैडम नूर जहां का बहुत नाम था हिंदुस्तान में, और वो पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान में बहुत मशहूर थी। तो बकौल लता जी के, लता जी ने जब उनको मिलवाया गया मैडम नूर जहां से, तो मैडम ने उनको सुना कि आप गाती हैं, उनको एक म्यूज़िक डायरेक्टर उनसे उन्होंने मिलवाया, और लता जी को उन्होंने कहा मैडम नूर जहां ने कि आप कुछ सुनाइए। तो लता जी को जब मैडम नूर जहां ने सुना तो उन्होंने कहा तुम्हारा बहुत नाम होगा, आप खूब रियाज करें, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन आपका बहुत अच्छा जो है वो पूरी दुनिया में और म्यूज़िक इंडस्ट्री में नाम होगा। और ऐसा ही हुआ। और मैडम नूर झा क्या कहने, ऐसे आर्टिस्ट भी सदियों में पैदा होते हैं, मैडम नूर झा जैसी आवाज़ दोबारा पैदा नहीं होगी। अल्लाह ताला ने उन पे बहुत ख़ास करम किया था मैडम नूर झा पे, कि वो कुछ भी गाती थी तो बहुत लाजवाब मालूम होता था, चाहे वो गीत हो, गज़ल हो। मैंने उनकी फ़ारसी भी सुनी है, फ़ारसी में भी वो गाई हैं, इसके अलावा और बहुत सारी ज़ुबानों में वो गाई, पंजाबी तो बहुत अच्छा गाती थी, उर्दू में भी, गज़लियात भी, और हर तरह का हर फन मौला थी मादाम नूर जहां। देखिए मादाम नूर जहां लता जी के लिए क्या कहती हैं, ज़रा सुनिए। लता जी बहुत अच्छा गाती हैं, वहाँ के हालात का तो मुझे पता नहीं, मगर वो जितना गाती हैं, जितना गाई हैं, उनके जैसा कौन करेगा इतना काम, लता जी जैसा अच्छा काम बहुत काम लोग करेंगे। और बहुत ही, मेरी तो बहुत इज्जत करती हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, और बड़ी मेरी, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। वो इसलिए भी है शायद कि वो मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं, और बहुत सोच समझ के गाने वाली लड़की है वो। जी हाँ, ये थी हमारी मलका तरन्नम नूर जहाँ, जो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी, आज भी हैं, कल भी रहेंगी, और रहती दुनिया तक रहेंगी, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर गई हैं कि मैं समझता हूँ आज भी उनके हम गाने सुनते हैं मैडम नूर जहां के, तो बहुत लुत्फ आता है। और इसी तरह लता मंगेशकर, जिनके लिए आज हम स्पेशल खास प्रोग्राम कर रहे हैं, लता जी के गाने भी आज भी सुनते हैं तो लगता है कि वो गई नहीं। और इसी तरह हम लोग इस बात को समझते हैं और कह सकते हैं कि आर्टिस्ट अपने फन से ज़िंदा रहते हैं, चाहे वो फिज़िकली इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनका फ़न उनको ज़िंदा रखता है। और मैं ये आपको एक लता जी का गाना सुनवाता हूँ। देखिए लता जी ने कितना अच्छा खूबसूरत इसमें एक्सप्रेशन दिया है, और कितना अच्छा वो गाई है। एक रज़िया सुल्ताना का गाना है ए दिले नादा, मुझे बहुत पसंद है, आप लोग भी सुनिए।
जी नाज़रीन, देखा आपने कितना खूबसूरत लता जी ने गाया। और लता जी का एक सबसे बड़ा ग्रेट कंट्रीब्यूशन है कि वो हर आर्टिस्ट फीमेल जो हमारी एक्ट्रेसेस थी हिंदुस्तान की, सबके ऊपर उनके गाने पिक्चराइज हुए। इवन के वजंती माला और जो थी वजंती माला हो गई, माधुरी दीक्षित हो गई, हेमा मालिनी हो गई, और यू नेम इट के जितने भी आप देखिए पीछे कितने हमारी लाजवाब आर्टिस्ट हुए हैं, उन सब के ऊपर उनके गाने बेहद पिक्चराइज हुए। और इतना खूबसूरत नौतन हो गई और शर्मिला टैगोर थी और पद्मनी कोल्हापुरी और इसके अलावा प्रीति ज़िंटा और आजकल के भी है ये, और काजोल हो गई और यू नेम इट, लता जी है के। और ऐसी आवाज़ के जो हर आर्टिस्ट के ऊपर इतनी अच्छी फिट होती थी कि ये मालूम होता था कि शायद वो आर्टिस्ट ही गा रहे हैं। ये कुदरत की देन है और लता जी हैं। इसके साथ हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, वी विल बी राइट बैक। कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से, एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। इसीलिए मिलिए रियल स्टेट में कामयाबी की जमानत आमिर रियाज के साथ, एक्सपीरियंस्ड, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल स्टेट एक्सपर्ट, जिनके साथ अब प्रॉपर्टी लिस्ट कीजिए सिर्फ 1% कमीशन पर। सो बाय, सेल और इन्वेस्ट विद आमिर रियाज। कॉल नाउ एट 416-319-2637। Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. जी नाज़रीन, आपने देखा कि लता जी क्या अच्छा गाई हैं इस फिल्म में, और क्या कहने। मेरे ग्रैंडफादर बड़े गुलाम अली खान साहब ने उनको सुना और उनको कहा कि ये ऐसी आवाज़ है, ऐसी लता की ऐसी आवाज़ है, ये कभी बेसुरा नहीं गाती। जो एग्जैक्ट वर्ड थे उन्होंने कहा कि ये कमबख्त ऐसी है, ऐसी आवाज़ है इसकी कि ये कभी बेसुरी नहीं होती। तो इसमें कोई शक नहीं जी, लता जी जैसा कौन होगा, कौन ऐसा अच्छा गाएगा। और लता मंगेशकर सोच के गाती थी, समझ के गाती थी, और ये गाना म्यूज़िक जो है लाइट म्यूज़िक, खासकर मेरे ग्रैंडफादर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब कहते थे लाइट म्यूज़िक गाने वाले मुश्किल से पैदा होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव लोगों का काम है, हर कोई इस लाइट म्यूजिक को खूबसूरती से अदा नहीं कर सकता। सो दैट इज़ नो डाउट अबाउट इट। इसीलिए खासकर लता मंगेशकर पूरी वर्ल्ड में एक ही हैं जिनका कोई सानी नहीं है। हमारी पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट शाहिदा मिनी जी क्या कहती हैं लता जी के लिए, सुनिए नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शाहिदा मिनी और आज बात करेंगे लता मंगेशकर जी की। लता मंगेशकर जी एक अहद का नाम है और वो सुनहरी अहद तमाम हुआ। हम सभी लोग लता मंगेशकर जी से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत बड़ा लॉस उनकी फैमिली का तो है ही, हम सब का बहुत बड़ा लॉस। ऐसी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी, ऐसा आकार, ऐसा गाना, ऐसा सुर, ऐसा एक्सप्रेशन। मैं तो जब छोटी होती थी उनका गाना सुनते सुनते सो जाती थी, और इनकी ऐसी आवाज़ जो हर इंसान के लिए
थेरेपी का काम करती है। वो इस दुनिया से तो चली गई है, लेकिन उनकी आवाज, उनका नाम, वो कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा। जी नाजरीन, आपने देखा शायदा जी ने कितना खूबसूरत लता जी के लिए बोला, और गुलाम अली साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनका भी हिंदुस्तान में बहुत आना जाना रहा और लता जी से भी काफ़ी मुलाकात रही। गुलाम अली खुद एक इंस्टीट्यूट हैं म्यूज़िक के, बहुत उनका जाने वाले हैं हमारे हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, और ख़ासकर हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में बहुत उनके चाहने वाले हैं। देखिए गुलाम अली साहब क्या कहते हैं लता जी के लिए। आज का दिन जो है बहुत ही अफसोसनाक, इसलिए कि सुर की देवी और सुर की मलका समझ लें, सब कुछ जो भी कुछ छोटे बड़े अल्फाज जो हैं उनके लिए वाबस्ता है। और मैं लता जी के बारे में अर्ज कर रहा हूँ, उनका जो दुनिया से जाना, और ये लोग जाते नहीं हैं, ये जाके भी रहते हैं, क्योंकि ये लोग जिंदा हैं। उनका सुर जो है, खासकर लता जी का जो उन्होंने जिंदगी में काम किया है, वो उस दर्जे का किया है कि उसके आगे कोई दर्जा और है नहीं है। क्योंकि लता जी की आवाज़ कुदरती तौर पे वो एक सच्ची, और सुर सच्चा जो लगता था वो उन्हीं का लगता था, उनके बाद सब उनको देख के लगाते होंगे। ऐसा सुर जैसा लता जी का मजबूत लगता था, ऐसा शायद ही किसी का लगता होगा। मैं तो ये खुदा उनको आगे का भला करे, परवरदिगार उनके खानदान को सब्र जमील अता फरमाए, मेरी तरफ से बहुत बहुत सब कुछ सलाम। जी नाज़रीन, आपने देखा कि गुलाम अली साहब ने कितना खूबसूरत लता जी के लिए अपने प्यार भरे जज्बात का इजहार किया है। ये म्यूज़िक, मैं ये समझता हूँ, बल्कि ये हकीकत भी है कि ये म्यूज़िक जो है ये खुदा ताला की देन है, आप सभी लोग समझते हैं। और कोई ये समझे कि ये बग़ैर सीखे कोई गा सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गाने के लिए अच्छे उस्ताद का होना ज़रूरी है। और इसमें तालीम से हमें एक मालूम होता है कि सुर का दर्जा कितना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, हमने सुर को, सांस को कैसे लेना है, अल्फाज को कैसे अदा करना है, उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, जज्बात का इजहार कैसे करना है। अब हम जैसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि कोई आएगा, या सावन के झूले पड़े, या एक लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो ना हो, तो या फिर ये है जैसे कि उनके बहुत सारे गाने हैं जिसमें आप देखें, और फिर ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि जिनमें बहुत खूबसूरत इजहार हुआ है। तो मकसद कहने का है कि जो भी कुछ हम कहें उनमें अल्फाज में वो उस कैफियत को खूबसूरती से अदा किया जाए, यही गाना बजाना है, चाहे वो क्लासिकल म्यूज़िक हो। क्लासिकल म्यूज़िक में हमारे ये होता है कि हम लोग ख्याल गा रहे होते हैं, जो लोग ख्याल गाते हैं या ख्याल गाते थे और ये आज भी जो गाते हैं, तो उसमें राग को देखा जाता है, सुरों को उसके हिसाब से गाया जाता है, जबकि लाइट म्यूज़िक में हमारे फ्रीडम होती है। क्लासिकल म्यूज़िक में की जो असनाफ हैं, जिसमें क्लासिकल जिसको हम म्यूज़िक कहते हैं, वो सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक में सिर्फ ख्याल गाया जाता है, पहले ध्रुपद होती थी, आज ख्याल गाया जाता है। फिर जब हम लाइट म्यूज़िक की बात करते हैं, हमारे बहुत सारे नाज़रीन जो हैं शायद बात को इससे नावाकिफ़ भी हों, और इसीलिए प्रोग्राम का हमारा मकसद भी यही है कि हम आर्टिस्टों के ऊपर तो रोशनी डालें ही डालें, इसके अलावा इस फ़न को भी हम अपनी आवाम को रोशनास कराएं कि ये फ़न किस तरह से चलता आ रहा है। तो ख्याल गायकी क्लासिकल म्यूज़िक, ख्याल गायकी में क्लासिकल आ गया, और क्लासिकल बेस्ड जो चीज़ें हैं उसमें आ जाती हैं हमारी ठुमरी, दादरा, गीत, गज़ल, फिल्म सॉन्ग्स, हमारी हमदो नात, कवाली, सोज़ो सलाम, मनकबत, नुहास, और पंजाबी, उर्दू, बंगाली, कोई भी लाइट म्यूज़िक में ये भंगड़ा, फ्यूजन, धमालें, ये सब हमारे लाइट म्यूज़िक, सूफ़ी म्यूज़िक, ये सब हमारे लाइट म्यूज़िक का हिस्सा हैं। एक बहुत खूबसूरत लता जी ने नात फिल्म, एक फिल्म में गाई थी, तो मैं आपको सुनवाता हूँ। बेकस्बे करम कीजिए सरकार मदीना, मुलाहिज़ा कीजिए, इस नात को पेश किया है
ऐसे आर्टिस्ट रोज रोज पैदा नहीं होते। हमारे पाकिस्तान के आज के लीडिंग आर्टिस्ट हैं राहत फतेह अली खान साहब, देखिए लता जी के लिए क्या कहते हैं। सलाम टू एवरीवन। आज का दिन बहुत ही सोगवार दिन दुनिया मौसीकी के लिए, इससे गमगीन दिन बहुत मैंने अपने लाइफ में कम महसूस किए हैं। आज लता मंगेशकर साहिबा इस दुनिया फानी से एक हकीकी दुनिया में मुंतकिल हो गई और पीछे लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो उनके फैंस हैं और आने वाली नस्लें भी जो उनकी फैन होंगी, ये ऐसा मकाम जो है वो हर किसी को नसीब नहीं होता। बहुत चंद आर्टिस्ट हैं और जिनमें सर फहरिस्त जो हैं वो लता मंगेशकर साहिबा हैं, कि जनरेशन जो हैं वो उनको सुनती आई उनकी ज़िंदगी में, अब आने वाली जो पौत है वो भी उनको सुनेगी। मगर उनके लिए एक फॉर्चुनेट सिचुएशन ये होगी कि लता मंगेशकर साहिबा इस दुनिया में नहीं होगी, वो उनको लाइवली नहीं देख पाएंगे। और एक एहसास का मेरे बहुत लफ्ज़ बहुत छोटे हैं, उनकी शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है और हमेशा अपने फ़न के ज़रिए हम जैसे और हमारे बाद आने वाले जितने फ़नकार हैं उनके फ़ैन हैं उन्हें सिखाते रहेंगे अपने गायकी की बदौलत। और जैसे उन्होंने इस फ़न मौसीकी की खिदमत की है इस घराने ने, जो मंगेशकर घराना है, मैं उसकी पर्टिकुलर उनका मैं कहूँगा कि उन्होंने जितना योगदान दिया है मौसीकी के फ़न को, ऐसे योगदान जो है वो हर कोई नहीं दे पाएगा। और बहुत दुखदायी दिन है और हम बस अपनी एक दुआ है, दुआ ही हर चीज़ का हमारा बिलीफ है कि दुआ जो है वो खुदा तक पहुंचती है, तो हम उनके लिए दुआए मगफरत दिली तौर पे फरमाते हैं और हमेशा फरमाते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे कि लता जी के लिए और ख़ास तौर पे मंगेशकर फैमिली के लिए, कि जिस तरह का मेहनत और जिस तरह का खून पसीना एक करके इस फन मौसीकी की खिदमत करते चले आए हैं ये हमारे, तो ये जो लफ्ज़ हैं लफ्ज़ साथ नहीं दे रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती की मैं बात कर रहा हूँ जो आज हम में नहीं है। तकरीबन अगर मेरी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 24 साल से वो गानी रही थी, मगर उनका साया इस फने मौसीकी पर छाव की तरह, जैसे एक माँ होती है उस तरह से रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मौसीकी की जो माँ है वो हमारी नज़रों से ओझल हो गई, अब हम उनका चेहरा लाइवली नहीं देख पाएंगे। ऊपर वाला उनकी मगफरत फरमाए और मेरी तरफ से और मेरे पूरे ख़ानदान के, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, फ़तेह अली ख़ान, मुबारक अली ख़ान साहब, सलामत अली ख़ान साहब के ख़ानदान की तरफ से, नवाज़िश अली ख़ान साहब के ख़ानदान की तरफ से एक कंडोलेंस दिली तौर पे मैं पेश करता हूँ मंगेशकर परिवार को। और हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि इस गम को कम करें, मगर ये कोशिश है और ये भरपाई नहीं हो पाएगी। अब ढूंढ उसे चरागे रुखे जेबा लेकर। जी नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह आर्टिस्ट लोग हमारे जो खुद सुर को समझते हैं और गाते हैं वो लता जी को कितना प्यार करते हैं। मैं समझता हूँ लता जी सिर्फ आर्टिस्टों की नहीं, वो हर खासो आम की पसंदीदा आर्टिस्ट हैं और वो हमेशा रहेंगी। दिलों पे राज उन्होंने किया, दिलों पे राज करती हैं और दिलों पे राज करती रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं। और लता जी सिर्फ एक आवाज का नाम नहीं है, वो एक पूरा इंस्टीट्यूट है कि उन्होंने ऐसा असलूब फिल्म म्यूजिक का जो है वो एक एस्टैब्लिश किया, उसको इंट्रोड्यूस किया कि वो हर एक खास आम की पहचान भी बन गया और उसको लोग फॉलो करके आज आर्टिस्ट बनते हैं और कई बहुत सारे आर्टिस्टों ने उनको फॉलो किया और वो एक शम्मा की तरह जो है वो
रोशनी दिखाते हैं हमारे जितने आर्टिस्ट हैं और जितने अपकमिंग आजकल के लड़के लड़कियां भी उनके गाने गाते हैं, गाना गाते हैं और गा रहे हैं, उनको फॉलो करते हैं बहुत खूबसूरती से। लेकिन मैं उनको यही कहूँगा कि ये फकत फिल्मी गाने रट लेने से फ़र्क नहीं पड़ता, इस म्यूज़िक को बाकायदा उस्ताद से सीखा जाए। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि लोग समझते हैं कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है लिहाजा अब जो है ना यूट्यूब से म्यूज़िक सीखा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। या किताबों से म्यूज़िक सीखा, हाँ आपको नॉलेज ज़रूर हो सकती है, लेकिन अब जैसे हम कहें कि जी राग भैरवी है, भैरवी में कोई गाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, भैरवी हमारा कोमल सारे फ्लैट सुरों का राग है, जैसे ठाट ऐसे जाएगा सारे गामा पदा नि सा सा नी दा पा मा गा रे सा नि सा गामा दा पा गामा रे सा नि सा गामा दा पा गामा दा नि सा गरे सा दा पा गामा गरे सा दा पा गामा नि दा पा गामा रे सा। तो राग को अब ये बुक में नहीं मिलेगा आपको कि सुर को कैसे लगाना चाहिए राग के मिजाज से, तो ये पर्सन टू पर्सन उस्तादों से सीखने का काम है, इसको सीख के करने का काम है। तो मैं आज की हमारी जितनी जनरेशन है मैं उनको यही कहूँगा कि इसको सीखिए, फिर गाने ना रटें, उसको सीखिए और उसको खूबसूरती से करें। हमारी पाकिस्तान की वन एंड दी ओनली लेजेंडरी गज़ल क्वीन फरीदा जी लता जी के लिए क्या कहते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। बस जी वो उस वक्त तो महसूस नहीं हुआ कि ये कुछ इतनी तबीयत इनकी सेहत इतनी वीक हो गई हुई है, बड़े खुश मिजाजी से बड़े 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 प्यार से बड़ी एक ऐसी बस रिलैक्स बातें कर रही थी, मैं तो सोच भी नहीं सकती, हैरत होती है कि इस तरह भी कोई वाक्यात होते हैं कि बातें करते करते उसके बाद कहीं डेथ हो गई। इतने भगवान लोग मैंने कहा आए भी इतने प्यार से दुनिया में और जाते वक्त भी दुनिया से इतने प्यार से गए कि कोई मैं महसूस ही नहीं हुआ कि इतने बड़े आर्टिस्ट और इतने ग्रेट जिंदगी का एक इमेज उनका बना हुआ है और है और रहेगा। घर के ही तो बड़े प्यार से मिले, उनके भैया भी पास से बड़ा फैमिली की तरह बस मुझे उन्होंने बिल्कुल मेरे साथ बिहेव किया जैसे मैं उनकी अपनी फैमिली से हूँ। इतनी मिठास से इतने प्यार से कि मुझे जो घबराहट थी वो मेरी दूर हो गई कि मैं लता जी से मिलने जा रही हूँ, मैं क्या मैं कहूँगी उनसे कैसे बात करें, एक होती कि इतने बड़े ग्रेट आर्टिस्ट से मिलना और फिर सोचना कि वो मुझे क्या कहेंगी और मुझे उनकी मुदब्बर सी बात का जवाब उतने ही हम्बल तबीयत से मुझे भी देना चाहिए, इतना मुझ पर उनके नाम का असर था। बस जब मिले हैं तो बिल्कुल ऐसे लगा कि एक मुझसे मुलाकातें हो रही हैं, महसूस ही होने दिया और लाइटली उन्होंने मोहब्बत से प्यार से बातें की कि जैसे हम एक दरीला मुलाकातें चली आ रही हैं। हालांकि फर्स्ट टाइम पे उनके साथ इस तरह रोज़ी टेलीफोन पे बात हुई, सब घर वालों के साथ ऐसे बैठे हुए हैं जैसे बिल्कुल एक सादी सी जिंदगी के अपनी लाइफ में एक वक्त गुजार रही हैं, कोई इतना मुझे मकाम पे पहुंचने के बाद ये इतनी सादगी तो बड़ा पन मुझे बहुत बड़ी बात है, बड़ी एक ग्रेट सोच और दिल में एक हम्बल अपने आप को उन्होंने रिलैक्स किया हुआ था और ये बात उनकी इतनी अच्छी लगी कि मैं कुछ थोड़ा सा जो बैठ सकी उसके साथ, उसी वजह से जैसे मुझे देनी रिलैक्स कर दिया उन्होंने सारा एक वक्त जो उसके साथ गुजरा। हमेशा मुझे जब तक मैं दुनिया में जब मुझे अल्लाह ने मौका दिया जितना जीने का ये यादें मेरे साथ रहेंगी और उनकी बातों की मिठास और उनमें जो ये है कि हर एक के साथ मिलने में बहुत ही दूसरे को घबराहट दूर कर दी उन्होंने कि भी मैं लता मंगेशकर हूँ, मैं बिल्कुल सादगी और एक आम तबीयत की तरह से जैसे मिलते हैं हम सबसे, वो उनका एक तबीयत का सोच थी उनकी मिजाज की, वो बड़ी मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि मैं तो कितना प्लानिंग की हुई थी ऐसे बात करूँगी, वो कुछ बातें वही हुई जो
अपनों के साथ जैसे होती, वो उन्होंने इतनी हिम्मत बढ़ा दी मेरी। जी नाजरीन, आपने देखा कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, फरीदा जी ने कितना, फरीदा खानम साहिबा ने कितने प्यार से अपने जज्बात का इजहार किया, और हमारे जितने और आर्टिस्ट सब ही उनको बेइंतहा प्यार करते हैं। हमारी आवाम, हम सब लोग लता मंगेशकर साहिबा को प्यार करते हैं, प्यार करते रहेंगे। उनका फ़न हमेशा उनको ज़िंदा रखेगा और वो हमेशा ज़िंदा हैं, ज़िंदा रहेंगी, और म्यूज़िक की शान है, म्यूज़िक की शान बनी रहेंगी। और इसके साथ ही मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Welcome to the World of Flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmira chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल स्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल स्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। जीटीए में रियल स्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट नाउ वाजिद मलिक एट 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. GTA ki top of the line quality printing mein, we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. Top quality aur lowest prices hai guaranteed. Har tarah ki graphic designing aur printing services, from huge banners to posters, real estate signs, vinyl, magnet flyer, business card, your one-stop shop for all signs and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश, या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश। रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी अहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर, आपके बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाए 416-452-0505। Shopping? Yes, on my home. Welcome to Panam Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us, with Panam Blinds, in improved. This combination of and silver shades, so Venus shades, so or the Shangri-La shade. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety
features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. कनाडा सरमायाकारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल स्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 6132760398। सैयद टीम, कोस्ट टू कोस्ट रियल एस्टेट विद रॉयल स्टार रियल्टी। आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का। Real Link Law Professional Corporation. We take pride in our work ethic to have assisted a variety of clients for more than 10 years. Buying or selling a house can get stressful. We understand the importance of such transactions. Let us offer a hand to make this life-changing transition a smooth one for you. Real Link Law's professional team will provide you with the most appropriate solution and pleasing representation to your immigration needs. We cover extensive services including real estate law, immigration law applications and representation, wills and power of attorney, commissions and notary public. Dealing with legal matters requires trustworthy and proper representation. We aim to provide the same here at Real Link Law. We deal with real estate law, immigration, and wills and estate laws. Come and experience yourself. Looking forward to assist you. Let us make a difference to your experience through our services. Real Link Law Professional Corporation, 302-250 Consumers Road, North York, Ontario. M2J4V6 Canada. Phone number 416-497-6060. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law.